जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भाई सुबह जल्दी कैसे उठें या देर रात तक पढ़ाई कैसे करें या ज़्यादातर पढ़ाई पर टाइम कैसे वेस्ट करें। तो दोस्तों आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहो, जैसे मैं करता हूँ पूरे अपनी टिप्स दूंगा कि भाई तुम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हो, ठीक है, और देर रात तक कैसे जाग सकते हो। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपका मन तो बहुत करता है कि भाई मैं कल सुबह उठूंगा या आज देर रात तक पढ़ूंगा, लेकिन बस आप जैसे ही रजाई पर घुसते हो या जैसे ही अपने खटिया पर जाते हो, जैसे ही अपने बेड पर जाते हो या कुछ कह लो, बस उसमें सोने का फिर मन करने लगता है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप देखते होंगे कि भाई आपका हमेशा पढ़ने में मन अगर लगता है थोड़ा बहुत भी, तो आपका अंदर से दिल तो कहता रहता है कि भाई मैं मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या करते हो तुम, जाते हो सीधे अपने बिस्तर पर बैठ जाते हो, चलो मैं बैठ के पढ़ाई करता हूँ, फिर बैठ के तुम पढ़ाई करने लगते हो। पढ़ाई करते करते तुमको धीरे धीरे नींद आने लगती है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी धीमी होने लगती है और फिर बस धीरे धीरे आप एकदम फुस सो जाते हो और फिर धीरे धीरे सो जाते हो, लेकिन तुम अपने मतलब सपनों को पूरा तोड़ देते हो, जो तुम सपना देखे हो उसको पूरी तरह से बिखेर देते हो, ठीक है। मतलब यार कोई काम का आपका नहीं रहता, बस फिर सुबह कल जोश से उठेंगे या जब सोते टाइम या कुछ समय पहले तुम क्या सोचोगे, यही सोचोगे यार कल से चलो मैं पढ़ूंगा, कल से देखता हूँ कैसे नहीं उठता, फिर वही हालत हो जाती है कि भाई कल आ गया और फिर यही कल चलता रहता है, और इसमें से एक से डेढ़ साल दो साल भी हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा और इसी तरह बीतता रहेगा। मतलब क्या है कि भाई अपने आप कम्फर्ट जोन में फंस जाते हो। कम्फर्ट जोन का मतलब समझ रहे हो कि भाई तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, और आपका साथी आपको या मुझको मेरा साथी दुख पहचाने की बात तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं हमारे शरीर का साथी हमारा दिमाग है, और हमारा शरीर जब आलस में होता है या हमारे शरीर का काम करने की एनर्जी नहीं रहती तो हमारा दिमाग यही बोलता है चल यार थोड़ा सो लेते हैं कल से पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से होता रहता है और तुमको पता नहीं चलता है। या तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सुबह उठ भी जाते हैं, 90% ऐसे लोग होते हैं मैंने देखा कि भाई अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं लेकिन वो दोबारा सो जाते हैं। सबसे बड़ी भूल होती है दोबारा सोना। तो भाई इसका क्या कारण है और इसको आप कैसे छोड़ सकते हो। तो देखिए अगर आप अलार्म बजने से पहले उठ जाते हो तो समझ लो कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ करने की क्षमता है, बस तुम उसको कर नहीं पा रहे हो, तुम करना चाहते हो तुम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस तरीके से उठ जाते हैं तो दोबारा कैसे ना सोएं इसके मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ठीक है, कि भाई सुबह उठे, मैं जो बताऊंगा भाई उसको तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई मैं आपको बोलने लगूँ जाकर तुम जिम करने लगो, जाकर ये करने लगो, जाकर वो करने लगो, यार ये सब बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये सब अगर करना ही है तो तुम कर लेते, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक काम तो तुम कर सकते हो ना, क्या मैं बताऊं, सबसे पहला एक काम होता है कि भाई अपने कमरे की लाइट जला दो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ जाना चाहिए अपने कमरे की लाइट पर। और एक बात और बता दूं, अगर तुम जल्दी उठना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम जल्दी उठना चाहते हो तो भाई तुमको एक फोकसदार लाइट लगानी पड़ेगी। जी हाँ, अगर तुम एक फोकस वाली लाइट लगाते हो बिल्कुल, अगर उसको जला देते हो तो कमरे में उजाला ही उजाला दिखने लगता है, मतलब लगता है बस सूर्यदेव निकल आए, इस तरीके से कुछ उजाला आने लगता है, तो समझ लो कि भाई तुम उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो सोने जो सुस्त अवस्था में था या जो आपका सोने की अवस्था में था वो जगने की अवस्था में आ जाएगा। तुम्हारा माइंड जो है तुम्हारे माइंड को ही ये मैसेज भेजने लगेगा कि भाई चलो अब उठ जाते हैं, भाई सुबह हो गई है। तो बस मेरी यही आपसे गुजारिश है, इतना कर लेना, अगर नहीं जाग जाना तो बताना, और तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। जब यही एक तरीका है कि भाई अगर तुम देर रात तक पढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा फोकस वाली लाइट लगाओ। हाँ, आँखों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि भाई कोई पीला या लाल कलर, गुलाबी कलर का उसके ऊपर कुछ शेप चलाओ, जिससे क्या है वो लाइट जो फेंकेगा वो आपकी गुलाबी कलर की फेंकेगा हल्का, ठीक है, जिससे आपकी आँखें कम नुकसान आपकी आँखों में पहुँचेगा। तो भाई आप फोकसदार लाइट का सबसे पहले प्रयोग करो, उसके बाद क्या कर सकते हो भाई आप उठ जाओगे, उसके बाद 100% उठ जाओगे। अगर तुमने लाइट जला दी, इतना कर लिया तो समझ लो तुम उठ जाओगे। उसके बाद जाओ अपना मुंह धो, अगर ठंडी में तो धो नहीं सकते भाई, बहुत सारे लोग हैं जो धो लेते हैं, और इवन मैं तो भाई अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं नहा भी लेता हूँ, ठीक है, तो
अब बस कुछ करना है तो भाई कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तो यही है कि भाई एक तो आप ठंडी से या तो डर जाओ या तो तुम ठंडी को खुद डरा दो, दो तरीके हो सकते हैं और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। एक जो मतलब कठिनाइयों को तुम खुद डरा दो या कठिनाइयों से डर जाओ, कोई भी चीज़ें दो ही इसके परिणाम हो सकते हैं। तो बस भाई कोई भी परिणाम जो आपके लिए अच्छा है सबसे पहले उसको सोचना है। मैं मानता हूँ कि भाई तुम सुबह नहा नहीं सकते हो ठीक है, लेकिन भाई ब्रश तो कर सकते हो ना, ब्रश कर लो या थोड़ा टहल लो, थोड़ा योगा कर लो, तुम्हारा शरीर जो है सोने की अवस्था में था वो जागने की अवस्था में आ जाएगा, उसके बाद तुम आसानी से पढ़ाई भी कर पाओगे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ फोकस वाली लाइट का प्रयोग करना, जो कि मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था भाई, लेकिन फोकस वाली लाइट जब से मैं भाई दो दो बल्ब 50-50 वाट की जला देता हूँ ना जब, तो भाई सोने का मन ही नहीं करता ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बताएंगे ये कर लो वो कर लो, यार मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे अभी तक तो तुम किए हो, या मोटिवेशनल वीडियो देख लो। हाँ एक वीडियो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक गाना है अगर तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे अंदर कुछ करने की चाह होगी, तुम्हारे दिल में कुछ बड़ा करने की चाह होगी तो तुम उस गाना को जरूर सुनोगे, तुमको पसंद जरूर आएगा। वो है सिकंदर, लिखना यूट्यूब पर आ जाएगा कि भाई सिकंदर, तू सिकंदर झांक ले तू अपने दिल के अंदर, वो गाना अपने दिल के अंदर झांक ले सबसे पहले। अगर तुम अपने दिल के अंदर झांक लोगे ना तो पूरी दुनिया देख लोगे, समझ लो अगर तुम अपने को सुधार लिए पूरी दुनिया सुधर जाएगी ठीक है। तो ये समझ लो कि भाई वो गाना सुनो, या तो अगर तुमको बहुत दिक्कत हो रही उठने में सबसे पहले लाइट जलाओ, उसके बाद गाना लगाओ, मोबाइल उठाओ गाना लगाओ, गाना लगाने के बाद उसको थोड़ा सुनो, एक बार सुनो तीन बार सुनो, उसके बाद उठोगे आराम से, उसके बाद मंजन करो, मुखारी करो, जो भी करना है करो आराम से, मुंह धुलो, हाथ धुलो या नहीं धुलना है मत धुलो। हाँ बिस्तर पर बैठ के मत पढ़ो, बिस्तर पर बैठ के पढ़ोगे तो नींद आने ही लगेगी, क्योंकि अगर तुम रजाई पर बैठोगे फिर वहीं घुस जाओगे भाई, वही तो वो प्रॉब्लम होती है ना कि भाई एक बार उठे दोबारा सो जाते हैं, 90% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने टेबल पर आ जाओ, और आपको टेबल पर आने के बाद चेयर पर बैठनी है, और किस तरीके की चेयर पर बैठनी है ये भी ध्यान रखना, वो बस उड़कने वाली चेयर नहीं होनी चाहिए कि बस ऐसे उड़क गए और सो गए फिर बस नींद आ गई भाई, बस हम एकदम अब क्या है भाई नींदों में तो खो गए हैं, अपने सपने भूल गए हैं, अपनी पढ़ाई भूल गए हैं ठीक है। तो ये सब नहीं करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चेयर ठीक है, आज मैं तुमको रिवील करता हूँ, तुमको लगता होगा कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, तुमको मैं अभी दिखाता हूँ अपनी चेयर ठीक है। ये है मेरी चेयर देख लो, इसको मैंने अपने से तोड़ दिया था, ये लगा था बल्कि टूट गई थी, इसको मैंने फिर अपने से भी तोड़ दिया, इसमें मैं बैठ के पढ़ाई करता हूँ भाई, मेरी कोई उड़कने वाली चेयर नहीं है कि बस मैं ऐसे बस करके, अगर इस तरीके की चेयर में स्टूडेंट अगर तुम स्टूडेंट हो और नहीं बैठोगे किस प्रकार की स्टूडेंट ठीक है, इससे क्या होगा तुम्हारा शरीर भी एक प्रकार से अच्छा रहेगा, नहीं तो बस सुलग जाओगे ठीक है। तो इस तरीके से सब करो यार, और कुछ बड़ा करना है, कुछ चोथना है, कुछ उखाड़ना है ठीक है, तो उसके लिए भाई तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो भाई तुम फेल हो जाओगे ठीक है। तो यार मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी अपने जीवन में करना है, क्या करना है ये तो पहले डिसाइड कर लो ठीक है। पढ़ाई करनी है, उसके साथ क्या करना है, क्या सीखना है, अगर तुम ये सब देखने लगोगे, अपनी जिम्मेदारी समझने लगोगे तो ऑटोमेटिक तुम उठ जाओगे। मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, अपने घर वालों की ना किसी की जिम्मेदारी ही नहीं समझते कि भाई बस पैसा उड़ाए जा रहे हैं तो उड़ाए जा रहे हैं, समोसे खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, वो भी अपने पापा पैसों से ठीक है। तो मतलब तुम जिम्मेदारी तो समझते नहीं हो, बस सो गए तो खो गए, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे तुम उठ पाओगे। तो भाई तुमको कुछ जिम्मेदारियां भी तो समझनी पड़ेंगी ना, अगर देखिए कोई ऐसा भी इंसान होता है जो कि रात में बैठ के अपने सपनों को सजोए होता है और अपना सपना पूरा करने में लगा होता है, और एक इंसान होता है जो सो जाता है और नींदों में सपने देखता है। सपने वो नहीं जो रातों में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो रातों में जगाए रखते हैं। जी हाँ ये बहुत किसी शायर ने कहा होगा, क्या खूब कहा है ठीक है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी कई बार उनके पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं। अभी मैं बताऊं ये वीडियो कब शूट कर रहा हूं, भाई 12 से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 1 बजने वाले हैं ठीक है, और फिर 5-6 बजे उठ जाने हैं। तो भाई ये सब होती हैं जिसके भाई सपने अगर तुमको पूरा करना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के पास शेयर करो ताकि वो भी सुबह उठ पाए और तू
तू जो देख रहा है वीडियो को ना, उठ जा भाई, ठीक है, वरना तेरे सपने टूट जाएंगे, तेरे घर वालों के सपने टूट जाएंगे, तेरे तो टूटेंगे ही, बस वो नींद में खोया रहेगा, फिर जब 10 साल बाद देखेगा पीछे कि भाई तब देर हो चुकी होगी और तेरे पूरे सपने टूट चुके होंगे, फिर तुझको कैसा लगेगा जब दुनिया तुझको लात मारेगी, ठीक है, तो उठ जा भाई, उठ जा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।